लोग की तैनाती नजर आ रही है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये तस्वीरें जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से स्थिति जो है वो संभल में नजर आ रही है। तो संभल में तनाव की स्थिति है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती है। पथराव जो है वो सुरक्षा बलों पर किया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को भीड़ ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। इस दौरान सड़क पर आगजनी और इसके बाद पुलिस कर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उपद्रवियों को खदेड़ा। मौके पर DM SP सहित 5 थानों की पुलिस तैनात है। इलाके में तनाव की स्थिति कायम है। पुलिस ने मौके से कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये हरिहर मंदिर है। इसको लेकर सुबह 7:30 बजे से सर्वे हो रहा था। कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के लिए पहुंचे थे। इसी बीच शाही जामा मस्जिद के बाहर भीड़ जमा होने लगी और सर्वे को लेकर हंगामा शुरू हो गया। अधिकारियों ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने पुलिस की टीम को निशाना बनाते हुए पथराव शुरू कर दिया। हालांकि मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया है। वहीं पथराव की घटना के बाद पुलिस इलाके में लोगों से शांति की अपील करती दिख रही है। पुलिस के अधिकारियों ने कहा है कि शांति बनाए रखें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। एक अधिकारी ने कहा है कि कोई भी उपद्रव फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पथराव की घटना में जो भी उपद्रवी शामिल हैं, वीडियो फुटेज के आधार पर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। पथराव की घटना का वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ उपद्रवी पुलिस को निशाना बनाकर पथराव करते दिख रहे हैं। जिस इलाके में पथराव हुआ है वहाँ की सड़क पर कई लोगों के चप्पल मिले हैं। इस घटना के बाद बाजार बंद दिखाई दिए और इलाके में दुकानें भी बंद हैं। संभल जिले की जामा मस्जिद को हिंदू पक्ष की ओर से अदालत में हरिहर मंदिर का दावा किए जाने के बाद कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए इसके सर्वे के आदेश दिए थे। 19 नवंबर को रात में मस्जिद का सर्वे हुआ था और आज फिर इस सर्वे को करने के लिए टीम जो है वो शाही जामा मस्जिद पहुंची थी। हालांकि मस्जिद कमेटी ने सर्वे के लिए अपनी सहमति दी और दोनों पक्षों की मौजूदगी में ही सर्वे जो है वो चल रहा था, लेकिन इन सबके बीच उपद्रवियों का तांडव नजर आया। 3 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पुलिस टीम पर पथराव किस तरीके से किया गया, उपद्रवियों ने आगजनी की और इसके बाद पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल किया गया और भीड़ को खदेड़ने की कोशिश पुलिसकर्मी जो हैं वो करते हुए नजर आए। इलाके में तनाव का माहौल है और बड़ी संख्या में जो जवानों की तैनाती है पुलिस के वो नज़र आ रही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं और साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था है उसे बहाल करने की कोशिश जो है वो इस वक्त की जा रही है। लगातार जो प्रशासन है उसकी तरफ से अपील की गई है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दिया जाए और कोई भी जो शरारती तत्व है जो कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है उसके साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी और वीडियो फुटेज के आधार पर पत्थरबाजी करने वाले उपद्रवियों की पहचान जो है वो पुलिस की टीम यहां पर करती हुई नजर आ रही है। तो उत्तर प्रदेश के संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भीड़ ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया। इस दौरान सड़क पर आगजनी की गई, पुलिसकर्मियों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, उपद्रवियों को खदेड़ा। मौके पर DM SP सहित 5 थानों की पुलिस इस वक्त तैनात है। इलाके में तनाव की स्थिति कायम है। पुलिस ने मौके से कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लिया है। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये हरिहर मंदिर है। इसको लेकर सुबह 7:30 बजे से सर्वे का काम हो रहा था। कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के लिए पहुंचे थे। संभल के मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल होता हुआ नजर आया और इस दौरान आपको बता दूं कि संभल में पुलिस पर पथराव जो है वो किया गया और पुलिस उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करती हुई नजर आई। संभल में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है। जामा मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है और उपद्रवी जो हैं वो लगातार हंगामा जब करते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान पुलिस उन्हें पीछे खदेड़ती हुई नजर आई और सर्वे के दौरान हंगामा जो है वो होता हुआ नजर आया। पुलिस ने भीड़ पर आंसू गैस के गोले दागे जिससे उन्हें पीछे जो है वो किया गया और इन सबके बीच जो सर्वे का काम है वो पूरा किया गया। 19 नवंबर को भी जामा मस्जिद का सर्वे हुआ था और ऐसे में आज सुबह सर्वे की टीम एक बार फिर से पहुंची थी। संभल में मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल मचता हुआ नजर आया है।
तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर, किस तरीके से बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती जो है वो की गई है, आगजनी भी उपद्रवियों की तरफ से की गई। तो संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि ये हरिहर मंदिर है। इसको लेकर आज सुबह 7:30 बजे से सर्वे हो रहा था। कोर्ट के आदेश पर एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के लिए पहुंचे थे। इसी बीच शाही जामा मस्जिद के बाहर भीड़ जमा होने लगी और सर्वे को लेकर हंगामा शुरू हो गया। अधिकारियों ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ लोगों ने पुलिस की टीम को निशाना बनाते हुए पथराव शुरू कर दिया। हालांकि मस्जिद के सर्वे का काम पूरा हो गया। पथराव की इस घटना के बाद पुलिस इलाके में मौजूद लोगों से शांति की अपील करती हुई दिखाई दी। पुलिस के अधिकारियों ने शांति बनाए रखने की अपील करते हुए लोगों से ये अपील की कि किसी भी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दिया जाए। वहीं कोई भी उपद्रव फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पथराव की घटना में जो भी उपद्रवी शामिल हैं, वीडियो फुटेज के आधार पर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। पथराव की घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ उपद्रवी पुलिस को निशाना बनाकर पथराव करते दिख रहे हैं। जिस इलाके में पथराव हुआ है वहाँ सड़क पर कई लोगों के चप्पल मिले हैं। इस घटना के बाद बाजार बंद दिखाई दिए और इलाके में जो तमाम दुकानें हैं उन्हें बंद किया गया है। तो ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर, किस तरीके से बवाल होता हुआ नजर आया संभल में, जहां शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए पहुंची टीम जो है उसके ऊपर हमले की कोशिश की गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है वो मौके पर इस वक्त तैनात है। उपद्रवियों ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया और उसके बाद जो पुलिस मौके पर मौजूद थी उनकी तरफ से आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल कर भीड़ को खदेड़ने का काम किया गया। भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और इन सबके बीच ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरीके से उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया है। तो संभल में बवाल की ये तस्वीरें, किस तरीके से जो उपद्रवी हैं वो जमकर उत्पात मचाते हुए नज़र आए, वो इन तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसके बाद जो मौके पर पुलिस मौजूद थी उनकी तरफ से आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल कर उपद्रवियों की भीड़ को खदेड़ने का काम किया गया। तो संभल में एक तरफ सर्वे होता हुआ नज़र आया तो वहीं दूसरी तरफ पत्थरबाजी जो है वो की गई। उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और भीड़ को तितर बितर करते हुए पुलिस के आला अधिकारी और पुलिस के जवान जो मौके पर मौजूद थे वो नजर आए। बवाल के बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस की तरफ से पूरे इलाके में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर अब नज़र रखी जा रही है। तो संभल में शाही जामा मस्जिद सर्वे पर भारी बवाल मचता हुआ नजर आया है। तो संभल से ये बवाल की तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर हैं, किस तरीके से बवाल जो है वो जमकर उपद्रवियों ने मचाया।
दरअसल शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम सुबह 7:30 बजे मस्जिद के अंदर दाखिल हुई और इस दौरान बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती थी। आशंका थी कि उपद्रवियों की तरफ से जो है वो कुछ अप्रिय घटना को अंजाम दिया जा सकता है और इसीलिए जो पुलिस बल वहां पर तैनात थी वो लगातार उपद्रवियों से पीछे हटने को अपील कर रही थी। लेकिन इस बीच अचानक पत्थरबाजी होती है और इस दौरान जो पुलिसकर्मी हैं वो भी घायल हुए और वो पीछे हटते हुए नजर आए और उसके बाद स्थिति को काबू में करने के लिए पुलिस बल की तरफ से आपको बता दें कि आंसू गैस के गोले दागे गए और लाठीचार्ज की गई। फिरोज आलम अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ संभल से जुड़ रहे हैं। फिरोज, इस वक्त क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? जी, आपको बताते हैं, जिस तरीके से 19 नवंबर को सर्वे हुआ था वो अधूरा रह गया था, तो आज सुबह पुलिस प्रशासन की टीम सर्वे टीम के साथ वहां पहुंची, जहां पर कुछ भीड़ ने पुलिस प्रशासन के ऊपर और पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद वहां का माहौल खराब हो गया। लेकिन पुलिस ने और प्रशासन ने अब माहौल को काबू कर लिया है। अब की स्थिति इस समय सामान्य है। आपको बता दें, जिस तरीके से विष्णु शंकर जैन और हिंदू पक्ष के कुछ लोगों ने कोर्ट में दावा किया है कि ये जामा मस्जिद नहीं है, हरिहर मंदिर है, इसको लेकर सर्वे टीम बनाई गई थी। सर्वे टीम का कुछ सर्वे अभी रह गया था, जिसको लेकर सुबह सर्वे टीम पुलिस प्रशासन के साथ जामा मस्जिद पहुंची, जिसका वहां के स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया है और पत्थरबाजी शुरू कर दी, आगजनी भी हुई थी। पुलिस प्रशासन ने वहां पर इस समय काबू पा लिया। फिरोज, जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, जहां पर बड़ी संख्या में उपद्रवियों का तांडव नजर आया, जो तस्वीरें हम देख सकते हैं, पुलिस पर पत्थरबाजी जो है वो की गई, सब कुछ सुनियोजित सा नजर आता है। सर, ऐसा होता है, भीड़ जो होती है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है और भीड़ में ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संभल जो ऐतिहासिक नगरी है और संभल के जो लोग हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार लोग हैं, पुलिस प्रशासन के साथ वहां मौजूद भी थे और लोगों ने जिस समय सर्वे टीम नियुक्त की गई थी, तो वहां के जो मौजूदा और जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो सांसद हों, चाहे यहाँ के नगर विधायक हों, इसके अलावा शाही जामा मस्जिद के जो इमाम हैं, उन लोगों ने भी सभी लोगों से अपील की कि किसी तरीके का भी, किसी प्रकार का भी शहर की फिजा खराब नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस भीड़ में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो शहर की फिजा खराब करना चाहते हैं, जो आज सुबह इसका जीता जागता उदाहरण है कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी हुई है और आगजनी भी हुई है। इसके साथ पुलिस ने वहां आंसू गैस, पुलिस ने उन उपद्रवियों पर काबू किया है। साथ ही यहां जो SP कृष्ण कुमार सिंह बिश्नोई है, उन्होंने सीधा सीधा साफ कह दिया है कि ऐसे उपद्रवियों को छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही उन्होंने एक टीम बना दी है, वो टीम वहां चिन्हित कर रही है किन लोगों ने ये मतलब योजना बनाई है, किस तरीके से ये पत्थरबाजी शुरू हुई है, कौन लोग इसके पीछे हैं। अभी सर पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी है। फिलहाल सर्वे टीम जामा मस्जिद के अंदर है, दोनों पक्ष के लोग वहां मौजूद हैं और टीम सर्वे कर रही है। बिल्कुल, सर्वे तो अभी जारी है, लेकिन जो स्थिति इस वक्त नजर आ रही है, ऐसे में वापस से कानून व्यवस्था सुचारू रूप से नजर आए, इसके लिए क्या कुछ कदम जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से उठाए गए? पुलिस प्रशासन बराबर नियोजित तरीके से अपना वहां काम कर रही है, हर तरीके से पूरा वहां टीमें गठित कर दी गई है, PSC का बल तैनात है और लोगों से रिस्पॉन्स ले गई है। इस समय जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के चारों तरफ का हिस्सा पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पुलिस अपनी पूरी तरीके से निगाह बनाई हुई है। बिल्कुल, और तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से अब पुलिस की तरफ से जो पूरा इलाका है उसे सील करने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। और अब जो सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी वो उन तमाम उपद्रवियों की पहचान करने की होगी जिन्होंने पुलिस पर पथराव किया, आगजनी की घटना को अंजाम दिया। फिरोज आलम, जिस तरीके से पुलिस के ऊपर पथराव किया गया है, उन्हें चिन्हित करने के लिए पुलिस टीम बनाई गई है। पुलिस टीम जगह जगह जो CCTV कैमरे फुटेज है उनको कलेक्ट कर रही है। इसके अलावा खुफिया तरीके से भी पुलिस अपनी लगी हुई है और जामा मस्जिद का चारों तरफ का इलाका पूरा सील कर दिया है। और सील मतलब जामा मस्जिद का इलाका ही नहीं, यहाँ पर पूरा शहर को एक तरीके से भी शहर पूरा बंद है और जो सड़कें हैं, सड़कें भी सुनसान हैं,
पूरी तरीके से पुलिस ने अपना तरीके से इस मामले पर पूरा काबू कर लिया है और बाकी पुलिस पूरी तरीके से रणनीति और बना रही है। शांति व्यवस्था कायम रहे इसके लिए लगातार अपील भी की जा रही है जो आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं आम लोगों से। डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेशिया ने भी संभल की जनता से अपील की है कि पूरी तरीके से शांति बनाए रखें। अगर शांति नहीं, इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है, अगर माहौल खराब करने वाले को चिन्हित किया जाएगा और जो माहौल खराब करने वाले हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, और जो स्थिति नजर आ रही है उसमें हम देख भी पा रहे हैं आखिर किस तरीके से पुलिस पर जो है वो पथराव किया गया, आगजनी की घटना को जो है वो अंजाम दिया गया फिरोज। और ऐसे में अब सवाल ये है कि आखिर इस सर्वे से आपत्ति क्यों? ऐसा होता है सर, कुछ लोगों को जो काम हो रहा होता है उसमें कमी निकालने की आदत होती है, लेकिन वो सामने नहीं आते हैं, वो पीछे से ही अपने लोगों को खड़ा कर देते हैं जिससे कि माहौल खराब हो और ये काम रुक जाए। जबकि आज सर्वे हो रहा है और सर्वे होने के बाद 29 नवंबर को कोर्ट में पेश होगा, कोर्ट का वही जो कोर्ट का निर्णय होगा वही मान्य होगा। ये बार बार यहाँ के जो मौजूदा लोग हैं वो भी शहर के लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन वो ये है ना सर, भीड़ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आग डाल देते हैं और पीछे खड़े हो जाते हैं जिससे पूरे शहर का माहौल खराब हो जाता है। अब माहौल को शांत करने के लिए पुलिस प्रशासन और जो यहाँ के शहर के कुछ मौजूद लोग हैं पूरे लगे हुए हैं और बार बार शहर वासियों से अपील भी कर रहे हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं आखिर किस तरीके से जो आगजनी की घटना है, जो पत्थरबाजी है वो की गई। और ऐसे में अब जो चुनौती है वो पुलिस प्रशासन के सामने है कि आखिर किस तरीके से कानून व्यवस्था को जो है दोबारा सुचारू रूप से जो है बहाल किया जाए और उपद्रवियों को चिन्हित कर सजा जो है वो दी जाए। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि अगर किसी तरीके से भी आगे अगर आगजनी या पत्थरबाजी होती है तो उन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीधा सीधा अपील के साथ साथ एक बड़ी चेतावनी दी है, अगर ये माहौल खराब करने वाले शांत नहीं बैठे तो उनका पुलिस प्रशासन बड़ी कार्रवाई करे। पुलिस प्रशासन बड़ी कार्रवाई करेगा, और जो स्थिति इस वक्त नज़र आ रही है जहां लगातार पुलिस की तरफ से फ्लैग मार्च जो है वो तमाम इलाकों में किया जा रहा है और तमाम इलाकों में पुलिस प्रशासन की टीम जो है वो मुस्तैदी से नज़र आ रही है। इसके अलावा अब ड्रोन से भी जो है वो नज़र रखी जा रही है पूरे इलाके पर फिरोज। पुलिस ने अपनी जगह जगह टीम से लगा दी है और टीम बराबर वर्क कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ी बहुत देर में कमिश्नर और डीआईजी भी आने की संभावना है। बाकी सर पूरा इलाके को सील कर दिया है, वहां अन्य लोग कोई अंदर नहीं जा रहा है, ना ही जामा मस्जिद की तरफ लोग जा पा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिरोज हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी तमाम